स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मिशन 2030 के तहत तैयार किए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट को दिया जा रहा है अंतिम रूप। शासन सचिव नवीन जैन की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक का हुआ आयोजन। उदयपुर के शिल्पकार डॉक्टर इकबाल ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग का बनाया सूक्ष्म मॉडल। सोने से बने मॉडल की साइज है 2 मिलीमीटर। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर इकबाल को जारी किया गया है प्रमाण पत्र। राजस्थान ललित कला अकादमी राज्य के 10 कलाकारों की कलाकृतियों को करेगी पुरस्कृत। कलाकारों को 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। बांसवाड़ा में एनीकट निर्माण के 3 प्रस्तावों को मिली वित्तीय मंजूरी। सिंचाई सुविधाओं का होगा विस्तार। एनीकट से नदी के व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर इसे कृषि कार्यों के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। झालावाड़ में आमजन को निर्वाचन संबंधी जानकारी उपलब्ध और स्वीप अभियान के तहत आयोजित गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया स्वीप बुलेटिन। कुचामन के डुंगरी के गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने गणपति के दर्शन कर सुख समृद्धि की करी कामना। प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग दिनेश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों के संबंध में आयोजित की बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर होगा सीकर में बड़ा कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर जनसंपर्क कर कार्यक्रम में पहुंचने का किया गया आह्वान। प्रतापगढ़ की आसेठी में दिया जाएगा फैशन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्टिफिशियल ज्वेलरी उद्यमी का फ्री प्रशिक्षण। महिलाओं को स्वरोजगार देने पर केंद्रित है ये प्रशिक्षण। दौसा में सनातनी वैदिक ध्वज को धार्मिक स्थलों पर पहनने का अभियान हुआ शुरू। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निखिलानंद सरस्वती के निर्देश पर शुरू किया गया है अभियान। झुंझुनू में भूतपूर्व सैनिक और स्काउट गाइड ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। रैली विभिन्न स्थानों पर जाकर करेगी आमजन को जागरूक। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में मेले की तैयारियां एवं कानून व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उदयपुर के शंभुनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व की हुई शुरुआत। मूल नायक शंभुनाथ भगवान का हुआ पंचामृत महाभिषेक। बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज प्रथम का हुआ लोकार्पण। 1,100 कॉलोनियों तक जल्द पहुंचेगा बिसलपुर का पानी। और जयपुर के प्रतापनगर में ध्वजा पताका फहराकर हुआ जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व का आगाज। आचार्य सौरभ सागर ने कहा, शुरू से अंत तक क्षमा भाव धारण करना ही उत्तम क्षमा धर्म।